अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू सैफ क्रैकर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ टेक न्यूज़ जो कि लेटेस्ट टेक न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तो दोस्तों हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे सैफ क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप पाए लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपनी टेक न्यूज़। सबसे पहले तो टेक न्यूज़ ये है कि दोस्तों एप्पल वो लॉन्च करेंगे 3 आईफोन इसी 2019 में जो किसी मेजर अपग्रेड के साथ नहीं होंगे। एक आईफोन तो दोस्तों एलसीडी स्क्रीन के साथ बनाएंगे ताकि इसका जो स्ट्रगलिंग XR मॉडल है वो सक्सीड हो जाए। और इसमें कुछ कैमरा फीचर्स भी आएंगे दोस्तों, रियर 3 कैमराज के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा। और बाकी जो आईफोन्स है वो जो है डुअल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होंगे। और दोस्तों यहाँ पर यह बात भी है कि 2020 में जो है एलसीडी मॉडल को कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड यानी OLED डिस्प्ले फ़ोन्स के साथ। दोस्तों सेकेंड जो हमारी टेक न्यूज़ है वो शाओमी की तरफ से है दोस्तों, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों शाओमी लॉन्च कर रहा है दोस्तों शाओमी TV 4X Pro 55 इंच का और शाओमी TV 4A Pro 43 इंच मॉडल का। दोस्तों इन दोनों ही टीवी सेट्स में जो है अपने ही पेज वाल होंगे। और दोस्तों ये जो है शाओमी TV 4X Pro जो है 2GB रैम के साथ और 8GB स्टोरेज के साथ आएगा, जबकि शाओमी MI 4A Pro आएगा जी 1GB रैम और 8GB स्टोरेज स्पेस के साथ। दोस्तों जो 55 इंच का जो मॉडल है यानी शाओमी 4X Pro वो आएंगे जी 4K 10-bit पैनल्स के साथ, जबकि शाओमी टीवी 4A Pro आएंगे जी 43 इंच 1080p 8-bit पैनल के साथ। और दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। इंडिया में जो है दोस्तों शाओमी टीवी 4X Pro की जो प्राइस होगी वो 39,999 रुपीज़ की होगी, जबकि शाओमी टीवी 4A Pro 43 इंच मॉडल जो है 22,999 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी इंडिया में। और ये टीवी सेट्स दोस्तों आप फ्लिपकार्ट शाओमी ऑफिशियल और शाओमी होम से आप ये परचेस कर सकेंगे। और ये दोस्तों जो दोनों टीवी सेट से ये आपको 20W स्पीकर्स के साथ मिलेंगे और इसमें जो है बहुत ही पतला सा बेजल भी होगा इन दोनों टीवी सेट्स में। और इन दोनों टीवी सेट्स में दोस्तों क्रोम भी सपोर्ट होगा। इन दोनों सेट्स में दोस्तों वाईफाई भी सपोर्टेड है, 2.4 GHz 5 GHz ब्लूटूथ वर्जन 4.2, 3 HDMI पोर्ट होंगे इसमें से, 2 USB पोर्ट्स और PDIF पोर्ट होंगे इन दोनों टीवी सेट्स में। और दोस्तों एथरनेट पोर्ट भी आपको इन दोनों टीवी सेट्स में मिल जाएगा। और दोस्तों जो हमारा तीसरा टेक न्यूज़ है दोस्तों वो है नोकिया 8.1 प्लस की तरफ से, तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों पंच होल डिस्प्ले जो है दोस्तों न्यू ट्रेंडिंग डिस्प्ले है 2019 में। शायद ऐसे ही कुछ और भी स्मार्टफोन्स निकल आ जाए दोस्तों, जिसमें बहुत सारे स्मार्टफोन्स निकल आएंगे जिसमें पंच होल डिस्प्ले होगा दोस्तों। और दोस्तों सैमसंग और हवावे जो है इस पर काम कर रहे हैं ताकि वो पंच होल डिस्प्ले के स्मार्टफोन्स बनाए, लेकिन अभी तक उन्होंने फुल एडोप्ट नहीं किए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नोकिया 8.1 प्लस जो है लीक हो गए हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ। जिनको पता नहीं है ये पंच होल डिस्प्ले है क्या, पंच होल डिस्प्ले उसे बोलते हैं कि कैमरा राइट या लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले के अंदर जो कैमरा लगा हो किसी भी स्मार्टफोन के उसे पंच होल डिस्प्ले बोलते हैं, अगर डिस्प्ले के ऊपर कैमरा लगा हो। दोस्तों अगर हम बात करें नोकिया 8.1 प्लस की जो इमेजेस जो लीक हुई हैं तो ये दोस्तों इसका जो डिस्प्ले 6.22 इंच के साथ आएगा और FHD प्लस जो आपको इसमें से वो रिजोल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है अल्ट्रा स्लिम बेजल्स के साथ है, यानी ये बहुत ही स्लिम फ़ोन है दोस्तों। अगर आप इसकी बात करें बहुत ही स्लिम है और इसके जो टॉप है आपको मिलेगा 3.5 mm हेडफोन जैक के जैक आपको इसके टॉप पर मिलेगा। और भी दोस्तों इसके साथ आपको वॉल्यूम रोकर मिलेगा और पावर बटन साथ में मिलेंगे कुछ। और अगर इसके बॉटम की पोजीशन में हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स आपको मिलेंगे। और अगर हम इसकी बैक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा विद जीस लेंसेज एंड डुअल LED फ्लैश आपको मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें बिलो द कैमराज। और दोस्तों अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ गिज़्मो को फॉलो कर लीजिए, गिज़्मो इंडिया, उसमें आपको और भी टेक्स न्यूज़ मिलेंगे ऐसी। और लास्ट जो हमारी न्यूज़ है दोस्तों वो शाओमी रेडमी नोट 7 की तरफ से, तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ दिन पहले ही शाओमी ने ये कन्फर्म कर लिया था कि शाओमी रेडमी नोट 7 जो है दोस्तों वो वर्ल्ड बिगेस्ट स्मार्टफोन होगा विद 48 मेगापिक्सल फॉर रियर कैमरा विद 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसर ये आएगा।
लेकिन शायद ये अभी लॉन्च हो गया, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है लॉन्च हुआ है या नहीं, लेकिन आपको फिर अपडेट देंगे कि ये लॉन्च हुआ है या नहीं। और ये दोस्तों लॉन्च होगा वाटर ड्रॉप नोच के साथ, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक होगी इसकी। और ये जो बॉडी है फुल मेटल डिज़ाइन है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि ये शाओमी रेडमी नोट 7 जो है ये वीवो V11 प्रो की जैसा डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। दोस्तों आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो फ़ोन है किस फ़ोन की तरह सिमिलर है, और आप कितना इसे रेट करेंगे आउट ऑफ 10 में से, और क्या आप शाओमी का फ़ैन हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और क्या आप अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा क्या अगर आपको इसका आर्टिकल पसंद आए। तो दोस्तों ये तो हमारी आज की टेक न्यूज़ वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको फिर ऐसी टेक न्यूज़ और वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।